फरवरी 2020 दिन रविवार को शिवसेना कानपुर के पदाधिकारियों की एक बैठक गोपाल विहार बर्रा 6 स्थित कार्यालय में मंडल प्रमुख शिव कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। मंडल प्रमुख ने पदाधिकारियों को बताया कि आगामी 7 मार्च को माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहिब ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रभु श्री रामलला के दर्शन हेतु आने का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। उन्होंने बताया कि कानपुर मंडल के सभी पदाधिकारी नगर व जिले एवं विधानसभा वार्ड स्तर की बैठक कर शिव सैनिकों को कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान करें। CAA NRC को लेकर मंडल प्रमुख ने कहा कि ओबीसी जैसे लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, यह एक समान प्रक्रिया है जो होनी ही चाहिए। इससे लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को डराने की जरूरत जरूर है जो लोग किरायेदार बनकर अवैध तरीके से रह रहे हैं और तेज आतंकवादियों के साथ मिलकर दिल्ली के शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बैठक से मुख्य रूप से श्री लखन अग्निहोत्री जिला प्रभारी स्वामी आत्मानंद जी महाराज, सराजेश तिवारी नीति प्रभारी, नरेश शर्मा प्रचार प्रमुख, सत्य प्रकाश गुप्ता संयुक्त सचिव, शिवम शुक्ला प्रचार सचिव, उमेश सोनू प्रचार सचिव कार्यवाही प्रमुख, सत्य प्रकाश विश्वकर्मा प्रचार सचिव, सूरज कुमार कार्यकारिणी सदस्य, गोविंद कुशवाहा सचिव, संजू जी सदस्य, वैष्णो राठौर वार्ड नंबर 9 प्रमुख आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोल, यह क्या नाम है, आज किस चीज की मीटिंग रखी है? शिव कुमार विश्वकर्मा शिवसेना से मंडल प्रमुख अध्यक्ष कानपुर विकास समिति। आज कानपुर शिवसेना मंडल पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। आगामी 7 मार्च को हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। उसी बात को लेकर हम पदाधिकारी की तैयारी के रूप में बैठक की है। विधानसभा वार्ड स्तर और नगर जिला अध्यक्षों को एक आदेशित किया गया है कि शिव सैनिकों को एकत्र कर आह्वान कर अयोध्या भारी संख्या में पहुंचने का कार्यक्रम। कौन कौन से क्षेत्र से कार्यकर्ता आए? कानपुर मंडल से हमारे हजारों संख्या में कार्यकर्ता ट्रेन से, निजी वाहन से, अपने यथा व्यवस्था से अयोध्या पहुँचेंगे। आज इस मीटिंग में आपने क्या रोक पदाधिकारियों निर्देशित किया गया है कि विधानसभा वार्ड स्तर पे शिव सैनिकों को जोड़कर आह्वान करके और भारी से भारी संख्या में अयोध्या पहुँचे।